Good morning, dear students. Welcome to EVS class. So, in today's class, I'm going to continue the same lesson, lesson number 14, our food habits. So, in the previous class, I have explained what are the proper food habits. Now, in today's class, we will see good food habits. क्या होते हैं good food habits? कौन सी जो food habit होती है वो अच्छी होती हैं. So, here some good food habits are given below. Let's see. Here are some good food habits. Number one, we should have our food at proper intervals. Intervals means एक time पे. जैसे हमें हमारा जो food होता है वो एक proper time पे means एक fixed time होना चाहिए. उस time पे ही आपको food खाना चाहिए. Then we should take only as much food on our plate as we can eat. हमें अपने plate में उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने प्लेट पे आपके खाने से ज़्यादा मीन्स जितना आप खा सकते हैं उससे ज़्यादा ले लेते हैं फूड, तो वो क्या होगा, फिर दोबारा कोई खाएगा नहीं, तो वो एक तरह से वेस्ट हो जाता है. तो हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट ओवर ईट. हमें खाना एक्स्ट्रा नहीं खाना चाहिए. जैसे जितना आपके पेट में जगह है उतने ही आपको फूड लेना चाहिए. ओवर ईट करने से वो डाइजेस्ट नहीं होता है. We should wash fruits and vegetables properly before eating or cooking them. हमें जो fruits और vegetables होते हैं उन्हें properly wash करना चाहिए because उसमें germs हो सकते हैं. ठीक है, तो आपको उसे क्या करना होता है, एकदम अच्छे से wash करना होता है खाने से पहले और cook करने से पहले. ओके, vegetables में कुछ ऐसे vegetables होते हैं जो आप raw खा सकते हैं, means कच्चा खा सकते हैं. ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पर लिखा है खाने से पहले. और अगर जिस वेजिटेबल को कुक करके खाते हैं तो उसको यहाँ पर कुकिंग दिया हुआ है कि मीन्स कि आपको कुकिंग करनी है तो उससे पहले वेजिटेबल को वॉश कर लें, बिकॉज वो सबके हैंड्स में जाते हैं. सबके हैंड्स जरूरी नहीं है कि साफ हों, क्लीन हों. ओके, जर्म्स भी उसमें आ सकते हैं. सो हियर यू कैन सी द पिक्चर, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. नेक्स्ट, वी शुड ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड टू स्टे हेल्दी. ईटिंग अनकवर्ड और स्टेल फूड कैन मेक अस सिक. हमें क्लीन और फ्रेश फूड खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए. ओके, एंड जो कवर्ड नहीं होते हैं फूड, मीन्स जो फूड यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर में दिया हुआ है, ये कवर्ड फूड कवर्ड है, ये कवर्ड फूड है और ये अनकवर्ड है. अनकवर्ड पे आप देख सकते हो हाउस फ्लाई आ रही हैं, तो जिस भी फूड पे हाउस फ्लाई आती हैं या फिर कुछ भी खुला रहता है तो उस पर जर्म्स आ सकते हैं. और जो कवर्ड फूड होते हैं उस पर जर्म्स नहीं आएंगे, तो उसे आप खा सकते हो जिससे आप हेल्दी रहेंगे. अनकवर्ड फूड खाने से आप अनहेल्दी हो सकते हैं, दैट्स वाई आपको कवर्ड फूड खाने चाहिए. हियर यू कैन सी स्टेल. स्टेल मीन्स होता है जो फूड महकने लगता है, तो मीन्स कि वो ख़राब हो गया फूड, तो ऐसे फूड को नहीं खाना चाहिए. इससे आपका डाइजेशन ख़राब हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं. नेक्स्ट, वी शुड नॉट बाई फूड फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स, दे सेल अनकवर्ड फूड. हमें जो स्ट्रीट पे वेंडर्स होते हैं, मीन्स जो ठेले वगैरह पे फूड लेकर जाते हैं, चलते हैं, ठीक है, वो फूड हमें नहीं खाना चाहिए बिकॉज वो अनकवर्ड होते हैं. राइट, बहुत से आपने देखे होंगे स्ट्रीट पे वेंडर्स जो कि अनकवर्ड फूड लेकर घूमते हैं, और आप उसे खाते हो तो आप उससे सिक भी हो सकते हो, मीन्स बीमार हो सकते हो. सो डू नॉट बाई फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स. हियर यू कैन सी इन द पिक्चर्स, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, हाउस फ्लाई उस पर आ रही है, बहुत से जर्म्स उस पर आ गए. अगर हाउस फ्लाई आती है किसी भी फूड के ऊपर, इट मीन्स कि उस पर जर्म्स आने ही आने हैं. सो हमें ऐसे फूड नहीं खाने चाहिए. नेक्स्ट है, वी शुड ईट एट अ क्लीन प्लेस ओनली. हमें एक साफ सुथरी जगह पे ही खाना चाहिए. अगर वो जगह साफ नहीं है, गंदा है, तो कहीं ना कहीं से आपके माउथ के थ्रू जर्म्स पेट में जा सकते हैं, आपके स्टमक तक जा सकते हैं. सो आपको एक क्लीन प्लेस पे खाना चाहिए. वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. अब खाने से पहले एंड बाद में आपको अपने हैंड्स को अच्छे से सोप से वॉश कर लेना चाहिए, ताकि आपका हैंड क्लीन रहे, जर्म्स फ्री रहे. हियर वी शुड च्यू आवर फूड वेल. अब खाते टाइम आपको जो खाना होता है, जो फूड होता है, वो चबाना चाहिए. च्यू मीन्स होता है चबाना. जब आप उसे चबा चबा कर खाते हो तो आपका डाइजेशन अच्छा रहता है. डाइजेशन में बार बार बोल रही हूँ, इट मीन्स कि जो खाना होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है आपको पेट में या स्टमक में,
पेन नहीं होता है. ओके अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आपको पेन होगा, राइट. सो यहाँ पर चबा चबा कर फूड को इसीलिए खाना चाहिए. नेक्स्ट, वी शुड नॉट स्पीक और लाफ विद फूड इन आवर माउथ. हमें क्या नहीं करना चाहिए? बोलना नहीं चाहिए और हंसना नहीं चाहिए खाना खाते वक्त. अब ऐसा सब लोग बोलते हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होता होगा कि ऐसा क्यों बोलते हैं, राइट. सो ऐसा इसलिए बोला जाता है बिकॉज आप खाना खाते समय अगर बात कर रहे होते हो या हंस रहे होते हो तो खाना क्या होता है, सरक भी सकता है. मीन्स बहुत टाइम आपने सुना होगा खाना खाते हुए किसी को खांसी आने लगती है, राइट. तो ये क्यों होता है? बिकॉज वो अगर बोलेंगे तो खांसी आना स्टार्ट हो जाएगी और जिससे आपको आपकी तबीयत खराब हो सकती है. दैट्स वाई हमें बोलना नहीं चाहिए और हंसना नहीं चाहिए उस टाइम, ठीक है. और एक और रीज़न है कि जब आप खाना खाते हो तो खाना खाते वक्त आप जब बोलते हैं या हंसते हैं तो उसके साथ साथ एयर भी आपके स्टमक में जाती है जिससे आपका स्टमक खराब हो सकता है. दैट्स वाई आपको खाना खाते वक्त बोलना या हंसना नहीं चाहिए. नेक्स्ट, वी शुड ऑलवेज यूज क्लीन प्लेट्स एंड डिशेज. अब खाना तो क्लीन है, मीन्स जो फूड बन रहा है वो जर्म्स फ्री बन रहा है, उसे वॉश करके बनाया जा रहा है फूड को, ठीक है, अच्छे से क्लीन करके सफाई से बनाई जा रही है. बट ये अगर क्लीन प्लेट में नहीं रखा गया, मीन्स साफ सुथरे प्लेट में नहीं रखा गया, तो इट मीन्स जितना भी एफर्ट किया गया है खाने को जर्म्स फ्री बनाने के लिए, तो वहाँ पर सारी मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है. तो हमें जो खाना होता है वो क्लीन प्लेट में ही खाना चाहिए ताकि हमारे बॉडी में कोई बीमारी ना हो, कोई डिजीज ना हो, हम बीमार ना पड़े. ओके, हियर यू कैन सी द डिशेज. डिशेज मीन्स होता है जो बर्तन होते हैं यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए, उसको हम लोग डिशेज बोलते हैं. नेक्स्ट, वी शुड ऑलवेज ईट फ्रेश बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस फूड. अब यहाँ पर बात आती है कि जो खाना होता है, जो फूड होता है, वो कुछ भी नहीं खाना है. मीन्स आपको एक प्रॉपर फूड खाना है जिसमें न्यूट्रिशन हो, ठीक है, फ्रेश होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है. हर एक चीज़ उसके अंदर उस क्वालिटी होनी चाहिए, एनर्जी है या फिर प्रोटीन है, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट है. ये सारी चीज़ें जिस जिस फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में होती है वो सारी चीज़ें मिली जुली होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपके बॉडी को वो स्ट्रांग बना सके, हेल्दी बना सके. वी शुड रिंस आवर माउथ विद वाटर आफ्टर ईटिंग. हम जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? अपने माउथ को अच्छे से रिंस करना चाहिए. रिंस मीन्स होता है वॉश करना, कुल्ला करना, ठीक है. तो इससे आपके जो माउथ में फूड होंगे वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है. इससे आपके जो टीथ होंगे वो सेफ रहेंगे, उसमें कोई जर्म्स नहीं लगेंगे. नेक्स्ट, bites of food get stuck between our teeth, so we must clean our teeth after every meal. अब कुछ ऐसी bites होती हैं जो आपके teeth में stuck हो जाती हैं, means फंस जाती हैं, ठीक है. तो इसके लिए क्या करना होता है? आपको every meal के बाद क्या करना है? Brush करना है, means clean करना है. तो clean करने के लिए आप brush use कर सकते हैं. सो यहाँ पर जैसे पिक्चर में दिख रहा है कि ब्रश कर रहे हैं, सो दिस वे आपको पहले अप मीन्स की जो ऊपर के टीथ होते हैं वो, देन ऐसे दिस वे, जिस तरह से यहाँ पे स्टेप दिया गया है, पहले ऊपर फिर नीचे से फिर जो डाउन के टीथ होते हैं वो, ऐसे आप अपने टीथ की सफाई कर सकते हो. दिस वे यू कैन ब्रश योर टीथ. सो विद द हेल्प ऑफ दीज यू कैन बी हेल्दी एंड स्ट्रांग. हियर डिड यू नो The inside of a refrigerator is cool. आपको पता है कि जो refrigerator होता है, refrigerator किसे बोलते हैं? आप लोग इसको maximum fridge बोलते हो, but इसको एक proper name है इसका, refrigerator. तो इसमें क्या होता है? Germs cannot grow there. यहाँ पर germs grow नहीं होते हैं. So we store food in the refrigerator. So हम लोग जो food होते हैं वो कहाँ save करते हैं? Refrigerator में. मीन्स वहाँ पर आप रख सकते हो रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में अगर आपने फूड रख दिया तो वो ख़राब नहीं होते हैं, उसमें कोई भी जर्म्स नहीं आते हैं. इट रिमेन्स सेफ, वहाँ पर जो फूड होते हैं वो सेफ होते हैं. सो दीज वर द गुड फूड हैबिट्स. आई होप कि आप लोग भी इसे अपने लाइफ में फॉलो करते होंगे. अगर नहीं करते हैं तो यू हैव टू फॉलो दीज गुड फूड हैबिट्स. हियर इज द एंड ऑफ दिस लेसन.
In the next class, we will discuss about the exercises. Till then, thank you so much.